नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और अब वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वर्ष लगाए जाने वाले 20 लाख पौधों के लक्ष्य में से अधिक पौधों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय पौधागिरी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों को फल और छायादार पौधे वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने करीब 2000 स्कूली विद्यार्थियों के बीच पहुँचकर पौधागिरी का संदेश देने के साथ साथ कम से कम 3 साल तक पौधे की सुरक्षा करने का संकल्प भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को धरती माँ की यही पुकार, बच्चे कम और पेड़ हजार का संदेश देते हुए कहा कि आज पर्यावरण और भूजल स्तर को बचाने के लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। मित्रों, ये पौधारोपण का ये उत्सव प्राय हर वर्ष होता है। इस बार भी हमने इन बच्चों के माध्यम से इस पौधारोपण के कार्यक्रम को शुरू किया है। हमारा टारगेट है कि 20 लाख बच्चे जो छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सब अपने घर के आसपास, अपने विद्यालय के आसपास जो भी सार्वजनिक स्थान है उन स्थानों पर एक पौधा लगाएं और लगातार उस पौधे की सुरक्षा भी करें। जैसा पिछले वर्ष हमने पौधगिरी योजना के अंतर्गत एक स्कीम दी थी, 50 रुपये हर 6 महीने के बाद यदि वो जियो मैपिंग के माध्यम से अपना एक फोटो सेल्फी के साथ लोड करते हैं तो अपलोड करने वाले बच्चे को 50 रुपये मिलेगा। क्योंकि पौधा लगाना कई बार आसान होता है लेकिन उस पौधे की सुरक्षा ये थोड़ा कठिन काम है। चाहे हमारे डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं या अथवा जो स्कूली शिक्षा का ये आंकड़ा आया है, लगभग 10 से 15% पौधे ही सुरक्षित रह पाते हैं। पिछले वर्ष 24 लाख पौधे लगाए गए थे लेकिन अभी तक हमारे पास जो फोटो अपलोड होकर आए हैं वो इतना ही 2.5 लाख के आसपास पौधे अपलोड होकर आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर वर्ष ये परसेंटेज बढ़े। इस बार भी 20 लाख का टारगेट है और इसकी रक्षा सुरक्षा का परसेंटेज बढ़े ताकि हर वर्ष यानी 3 लाख 4 लाख 5 लाख पौधे अगर बढ़ते हैं स्कूली बच्चों के माध्यम से, बाकी जनता इस अभियान में जुड़ेगी वो अतिरिक्त है। हर वयस्क आदमी, हर एक परिवार का सदस्य किसी न किसी नाम से, पूर्वजों के नाम से अथवा अपने जन्मदिन के अवसर पर अथवा महापुरुषों के नाम से कोई ना कोई अवसर के ऊपर पौधा लगाए ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और पानी बचाओ अभियान में भी हम इसको सहयोगी बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। और इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।